हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू सेव बनाएंगे। आलू सेव हम उपवास के लिए बनाएंगे, तो हम इसमें कोई भी आटा नहीं डालेंगे। हम सिर्फ आलू से ही आलू सेव बनाएंगे। बस इसमें मसाले ही रहेंगे, कोई आटा नहीं रहेगा। आलू सेव खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और क्रंची बनती है। इसे हम 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसे बना के हम 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसे बनाने के लिए मैंने अच्छे से आलू ले लिए हैं। आलू हम अच्छे से उसे वॉश कर लेंगे। आलू अच्छे से वॉश करेंगे, इसमें मिट्टी रहती है। इसे कुकर में डाल के हम बॉईल करेंगे आलू को। पहले सारे आलू हम वॉश कर लेंगे। आलू हमने वॉश कर लिए है, अब हम इसमें पानी डाल के बॉईल करेंगे। हमें इसमें नमक नहीं डालना है अभी। इसे 4 से 5 सीटियाँ लगने देंगे। सारे आलू बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसके छिलके निकाल देंगे। सारे आलू के अच्छे से छिलके निकालेंगे, क्योंकि इसमें छिलके रह जाएंगे तो ये मशीन में नहीं चलेंगे। सारे आलू के छिलके हमने निकाल दिए हैं, अभी हम इसमें क्रश कर लेंगे। हम इसमें भी कर सकते हैं या इस मशीन में भी अच्छे से क्रश कर सकते हैं। आलू हमने सारे क्रश कर लिए हैं, अब हम इसमें मसाला करेंगे। मैंने इसमें नींबू का रस 250 ग्राम नींबू का रस डाला है। 5 किलो आलू में मैंने 250 ग्राम नींबू का रस डाला है और 100 ग्राम काला मरी पाउडर डालूंगी। 100 ग्राम काला मरी पाउडर है ये। आप अपने स्वाद के अनुसार सारा मसाला कर सकते हैं। जितना खट्टा कर सकना है कर सकते हैं, और जितना तीखा चाहिए उतना मरी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले। आप इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, संचर पाउडर भी डाल सकते हैं। आलू हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम मशीन में डाल के इसकी सेव बनाएंगे। अब हमने इस तरह का प्लास्टिक का कागज़ लिया है। अब हम इसे मशीन से इसे अच्छी तरह से बना देंगे। हमें इस तरह से आलू सेव के लच्छे बनाने हैं, क्योंकि जब हम इसे फ्राई कर सकते हैं तो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ये।
टूटती भी नहीं है। हमें इतनी पतली ही सेव बनानी है, बहुत मोटी सेव नहीं बनानी है, पतली सेव है वो अच्छी क्रंची और अच्छी लगती है। मोटी सेव बनाएंगे तो वो कड़क हो जाएगी। अब हम इसे धूप में सुखा लेंगे, जब सूख जाएंगे तो हम इसे फ्राई करेंगे। ये अच्छे से सूख गई है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, ये बहुत ही अच्छी फूल रही है। ये अच्छे से फूल जाती है और बहुत ही अच्छी और क्रंची बनती है। आलू सेव बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगती है आलू सेव। आलू सेव खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। यह है हमारी आलू सेव तैयार हो चुकी है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए।